प्रॉपर्टी के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। विवाद में फायरिंग का भी आरोप। मारपीट में आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं घायल। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को उठाकर कोतवाली लाई। खुर्जा के मुड़ानखेड़ा चौराहे के पास स्थित मार्केट का बताया जा रहा है विवाद। बुलंदशहर से इलियास अली की रिपोर्ट। सर, दो पक्षों में यहाँ संघर्ष हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, क्या पूरा मामला है, कितने लोग हिरासत में लिए गए? मुंडाखेड़ा चौराहे के पास में एक दुकान है, उस दुकान के किराएदार और मकान मालिक के बीच में आज कुछ विवाद हुआ था। विवाद के बाद हाथापाई हुई और फिर लाठी डंडे चलने जैसी बात लोग बता रहे हैं। तुरंत ही मुंडाखेड़ा चौराहे पर पुलिस की पिकेट रहती है, चेकिंग चल रही थी, मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया, स्थिति को बिगड़ने से रोका और जो संबंधित पक्ष जो झगड़ा कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। तो केवल इतनी ही ये वारदात थी। संबंधित पक्ष जो हैं, जो इस पूरी घटना के लिए विवाद के लिए दोषी हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आवश्यक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाए। सर, सूचना गोली की भी मिल रही है, क्या ऐसा भी कुछ हुआ है जैसे गोली चली है यहाँ पर? देखिए, संबंधित पक्ष घटना के प्रत्यक्षदर्शी और जो पुलिसकर्मी थे, किसी के भी द्वारा ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि फायरिंग जैसी कोई बात हुई हो, मात्र लाठी डंडे चलने की बात है। बाकी पुलिस के द्वारा जांच इस संबंध में की जाए। ठीक है।